हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आप सभी का मेरे नए ब्लॉग में स्वागत है। और अभी दोपहर का 1 बज रहा है, तो आज बहुत ही बिजी थी सुबह। आज कल से भी ज़्यादा काम था, क्योंकि बालकनी धोया मैंने, सब फूल को, पौधों को सब पानी वानी दिया, घर और साफ किया, बाथरूम वाथरूम साफ किया, कपड़े धोए और खाना बनाए। नाश्ता नहीं बनाए, नाश्ता आज हम लोग ब्रेड खाए, से ब्रेड और चाय। तो आज सैटरडे था तो कहीं जाना नहीं था, तो मैं सोची आज ब्रेड खा लेते हैं। बहुत दिन से रोटी ही खा रहे हैं। और अभी दाल बन गया, चावल बन गया और आलू बैंगन की सब्ज़ी बनाऊंगी मैं। और दिन भर आज सुबह से तो मैं कपड़े सुखाने में ही थी, क्योंकि 2-3 दिन का कपड़ा था, बहुत सारा हो गया था और बारिश की वजह से सूख नहीं पाया था। तो आज धूप निकला है, आज दिन बहुत ही अच्छा है, तो इसलिए कपड़े सुखाने में मेरा टाइम चला गया। बार बार सुखा रही थी, बालकनी में ही सुखाती हूँ, चारों तरफ का कपड़ा ला के, नीचे से भी कपड़ा ला के बालकनी में सुखाई। तो सूखते गया बहुत सारा कपड़ा हो गया है। दिखाऊंगी मैं आपको कितना सारा कपड़ा हो गया है। देखिए बेड पे भरती है कपड़ा पूरा, तो ये सब अभी फोल्ड करना है। सोनिया दा फोल्ड करके चली गई है, उसके दोस्त का बर्थडे है तो बर्थडे में गई है, तो इतना सारा बाकी है जो मैं फोल्ड करूँगी अभी। और यहाँ परेशान है। तो फ्रेंड्स, अभी शाम का समय है, तो सोच रही हूँ नाश्ता करने के लिए, तो ये भुट्टे लाए थे मेरे हस्बैंड, तो उसी को भून रही हूँ गैस पे, क्योंकि अब इसके लिए 2-3 के लिए क्या चूल्हा जा रहा हूँ, तो इसी में गैस पे ही मैं भून लूँगी। ये देखिए, और अच्छे से भून भी गया है, तो इसमें नमक और काली नमक और काली मिर्च लगा रही हूँ और नींबू। तो वो सब खाओ के अब मैं फिर डिनर की तैयारी में लग गई हूँ। और अभी हमारा सावन चल रहा है, और इस साल सावन 2 महीना का है। जो लोग भूखते हैं, सावन के व्रत करते हैं, उन लोगों को 8 सोमवार मिलेगा इस साल। और बहुत ही अच्छा संयोग है, क्योंकि 19 साल बाद ऐसा बना, तो 2 महीने का सावन। तो ये महीना हम लोग सावन में नॉनवेज नहीं खाते हैं पूरा सावन, तो इस बार तो 2 महीना हमें नहीं खाना है, तो इसलिए सोच रही हूँ कुछ स्पेशल बनाऊँ कि अच्छा लगे खाने में। तो बहुत दिन से सादा बना रही थी, क्योंकि टाइम ही नहीं मिल रहा था, बहुत बिजी थी, चारों तरफ मुझे देखना पड़ता था, नीचे भी ऊपर भी, इसलिए। तो आज सोची मैं अच्छा बनाती हूँ, तो क्या बनाऊँ, तो ये चने भिगो के रखी थी मैं सुबह से, तो इसी का मैं सब्ज़ी बनाऊँगी। तो इसके लिए मैंने प्याज कट कर लिया है, लहसुन अदरक को ग्रेट कर लिया है, और टमाटर भी कट कर लूँगी, सारे सब्ज़ियाँ जितनी भी हैं उतने मसाले के लिए कट कर लूँगी। और ये 2 मिर्च, हरी मिर्च, और ये है टमाटर, तो इसको भी मैं छोटे छोटे पीस में कट करके रख ले रही हूँ। और एक आलू भी कट करके रखी हूँ, तो यहाँ पे जीरा और मिर्च डाल दिया है, फिर प्याज, फिर आलू, फिर उसको अच्छे से फ्राई कर लूँगी। और उसके बाद मैंने यहाँ पे आटा भी लगा के रख दिया है कि सॉफ्ट हो जाएगा बनाने तक। तो इसमें तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आलू और प्याज अच्छे से फ्राई हो गया है, तो इसमें मैंने अदरक, लहसुन, हरी मिर्च सब डाल दिया है, और ये खड़े गरम मसाले, हल्दी, जीरा, धनिया, मिर्च, काली मिर्च सब डाल के मसाले अच्छे से फ्राई कर दिया है। उसके बाद टमाटर भी डाल दिया है और उसको फ्राई कर दिया है। उसके बाद थोड़ा सा पानी डाल दिया है कि अच्छे से पक जाए मसाले, और फिर ये चने जो भिगो के रखे थे वो डाल दिया है, फिर नमक, और इसको अच्छे से मैं भून लूँगी। और भूनने के बाद पानी डाल के इसको सीटी लगा दूँगी, 2-4 सीटी लगाने के बाद ये पक जाएगी। तो फ्रेंड्स, अभी 8:30 हो रहा है, और सुबह मैंने थोड़ा सा ब्लॉग स्टार्ट किया, फिर उसके बाद नहीं किया, बिजी हो गई और भूल जाती हूँ कभी कभी ब्लॉग भी बनाना है। तो एक बार शाम का वीडियो बना रही हूँ, जिसमें मैं आज खाने का वीडियो बना रही हूँ, शाम का डिनर। तो डिनर में मैं बना रही हूँ चने और आलू की सब्ज़ी और पराठा बनाऊँगी, तो बन ही गया है, बस सीटी लग जाए तो रेडी है। और अभी 8:30 हो रहा है, तो मैं जा रही हूँ ईशान को पढ़ाने, 1 घंटा पढ़ाऊँगी, 9:30 में फिर पराठे बनाऊँगी, फिर खाएंगे, तो 1 घंटा मैं ऐसे पढ़ा लूँ और एक्सरसाइज करा लूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे कैमरा सेट कर लिया है, और जब जा रही हूँ बॉल लाने, ये जिम बॉल और बाबू का बैग, तो यहाँ पर मैं एक्सरसाइज करा रही हूँ। और ये जिम बॉल से 7 स्टेप एक्सरसाइज है इसका, तो वो सब करा रही हूँ जैसे जैसे, पर ये ज़्यादा करने नहीं देता है, बार बार उठ के भागता है, क्योंकि इसको अजीब सा लगता होगा इस बॉल में एक्सरसाइज करना, तो इसको पकड़ पकड़ के एक्सरसाइज करा के मैं भी थक जाती हूँ। तो ये देखिए, कभी दाएं, कभी बाएं, कभी आगे, कभी पीछे, कभी
जंपिंग, और फिर उसके बाद इसको लेटा के इसके बैक साइड में पूरा प्रेशर देना पड़ता है। तो ये सब एक्सरसाइज आधे घंटे का होता है। तो ये होने के बाद मैं आधे घंटा इसको पढ़ाऊँगी, और ये वो पढ़ा उड़ा के मैं आ गई हूँ किचन में। तो अब मैं बना रही हूँ रोटी पराठा, तो पराठा बना के फिर शाम को खिलाऊँगी। उसके बाद फिर सब लोग खाएंगे, उसको टाइम लगता है इसलिए पहले बना लेती हूँ और उसको खिला लेती हूँ, फिर हम लोग आराम से खाते हैं। तो ये बूंदी वाला पसंद है बोला ना, खीरा होगा बूंदिया क्या रायता, रायता बूंदी वाला भी अच्छा लगता है, अच्छा लगता है, खाया बोला बहुत अच्छा है। थैंक यू, वेलकम। तो फ्रेंड्स खाना बन गया है और अब ईशान को खिलाऊंगी, और ये माया दीदी है तो मैं और सोनी खाएंगे इसमें। यहाँ ईशान रो रहा है, बाहर घंटी बजा रहा था डोरबेल। हो गल ना, आओ खाना खाए के, आजा खाना खाए। तो ईशान बाहर डोरबेल बजा रहा था और बजा ही जा रहा था, इसलिए सोनी वहाँ से लेकर आई तो रोने लगा और चुप ही नहीं हो रहा है। तो मोबाइल दी तो थोड़ा सा चुप है, तो अभी खा रहा है। तो हम लोग सब लोग अब बैठ गए हैं खाने के लिए, तो इसको आधा खिला दिया है, आधा मेरे साथ खाएगा। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिएगा, और जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।